यार दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज समथिंग एल्स, मतलब मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम इंडिया में ही हैं। इधर देखो यार कितना मस्त लग रहा है। देखो लेफ्ट में धूप है और राइट में छांव है भाई, देखने में तो ऐसा लग रहा था कि कोई आ नहीं रहा, हम ही है। लेकिन हानले में भाई रूम अवेलेबल, रूम अवेलेबल ही नहीं है, होम से अवेलेबल ही नहीं है वही, मतलब इस वाले होम से में जैस फाजी भी रखे हुए हैं, जैस फिल्म्स, ये जैस फिल्म्स इंडिया। तो गाइस टाइम हो रहा है सुबह के 8:15 और हम निकल गए हैं लेह से। तो हेलो गाइस, एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो भाई हम लोग निकल गए हैं लेह से और टाइम हो रहा है 8:15, जैसे कि आपको बताया गया है। अभी भी आज हम लोगों ने वैसे डिसाइड कितने बजे किया था निकलने का, 7:30, हाँ 7:30 किया था। आज हम बहुत ज्यादा लेट नहीं, बहुत ज्यादा लेट नहीं है क्योंकि रात को ना नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों बार बार आंख खुल रही थी, तो थोड़ा सा लेजी हो गया मैं, बट कोई नहीं, 8:15 भी निकले। तो अगर इसमें 10 घंटे भी आप ऐड करोगे तो हम 5:30-6 बजे तक पहुंच जाएंगे डे में, जो ठीक है। आज का डिस्टेंस है 257 किलोमीटर्स और क्या, बस यही है, बाकी अभी निकल रहे हैं ले। शायद देखो अभी खुला भी नहीं है, रोड्स खाली पड़े हैं, सारी रोड्स खाली है, कोई नहीं दिख रहा, बहुत कम लोग दिख रहे हैं। और हानले के जो रास्ते हैं वो बहुत 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 ब्यूटीफुल है, तो डेफिनेटली हम लोग आपको दिखाते हुए चलेंगे। तो हानले का जो रूट है ना वो बहुत अमेजिंग है, मतलब हर कोई बोलता है अगर आप लद्दाख आ रहे हो तो हानले जरूर जाना, क्योंकि हानले के रूट्स बहुत सीनिक है, ठीक है। तो बस यही है, आज के रूट्स बहुत अमेजिंग होने वाले हैं, हम लोग बहुत एक्साइटेड है, लेट्स सी। रोड्स अच्छे भी हैं, बीच में थोड़ा सा खराब रोड भी आएगा जैसे कि हम लोगों को खबर मिली है, ठीक है। तो चलो भाई ज्यादा टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं अमेजिंग अमेजिंग रास्ते। दो चीजें करवानी है, सबसे पहले पेट्रोल टैंक फुल कराना है, वो चीजें कराऊंगा, और दूसरी चीज कार वॉश वाला अगर मिलेगा तो बाहर पानी डलवा लेंगे, भाई बहुत गंदी हो रही है गाड़ी। बहुत हमने साफ कर लिया, क्लीन करा है, मिट्टी विट्टी निकाली, बट जानसर वाली की जो मिट्टी है ना भाई बहुत बहुत चिपक गई है, बिल्कुल हीट वाली मिट्टी है, ठीक है। तो बस यही है, चलो चलते हैं। और तो भाई वॉश करा के निकल गए हैं और ये है आपके सामने लेह लद्दाख के नजारे। तो भाई ये देखो सामने पहाड़, तो लेह लद्दाख को करते हैं बाय बाय, अब आएंगे जब यहाँ पे कुछ नया होगा। मैंने सुना है कि यहाँ पे एक और यू नो हाईएस्ट मोटरेबल पास उमलिंगला से भी ऊपर चालू होने वाला है, जब वो चालू होगा तब आएंगे, तब तक के लिए लद्दाख को बाय बाय बोलते हैं और लद्दाख को मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। लद्दाख प्लीज अपना ख्याल रखना और हम भी अपना ख्याल रखेंगे। तो भाई टैंक फुल करा लिया है और पूरा ही टैंक खाली पड़ा था, तो अपने का टैंक फुल करा लेते हैं। अभी हम कारू में है, उपशी बचा है यहाँ से 14 किलोमीटर, उपशी के बाद एक कट आएगा, उपशी के बाद 3 कट आते हैं, एक मनाली जाता है, एक पैंगोंग जो चांगला पास होता है, चांगला पास होता है पैंगोंग जाता है, वो है नुब्रा वाले पीछे था, ठीक है। और तीसरा जाता है हानले। तो अभी उपशी पहुँचते हैं, उपशी भी देखते हैं कुछ थोड़ा बहुत खा पी लेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हानले के लिए। लेट्स गो। तो जो आप ले से आओगे ना पीछे से तो ये गोल चक्कर पड़ेगा, ये रास्ता जाता है चांगला पास होते हुए पैंगोंग और ये रास्ता जाता है उपशी जो हानले निकलेगा। तो हम इस रास्ते पे जा रहे हैं और यहाँ से बचा है 221 किलोमीटर। तो भाई ये पीछे था उपशी का चेक पोस्ट, तो अभी हम हानले जा रहे हैं ना, हानले के लिए आपको परमिट बनाना ज़रूरी है, अगर परमिट नहीं होगा तो ये लोग आपको आगे नहीं जाने देंगे। भाई देखो अभी एंटर ही किया है और देखो सामने नजारे, भाई बहुत सेफली वीडियो बना रहा हूँ तो अब टेंशन मत लेना। देखो ये देखो सामने के नजारे और देखो ये लेफ्ट में जो रिवर है ना, ग्रीन कलर है, प्योर ग्रीन कलर, वीडियो में पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन प्योर ग्रीन कलर की, मतलब एंट्री करते ही ऐसे नजारे, ओ मजा ही आ जाता है भाई। भाई जब से उपशी से निकले हैं ना तब से ऐसे ही रास्ते हैं, एक नंबर रास्ते हैं, मतलब ऐसा है ना कि आप कंटिन्यूसली चल सकते हो। और ये जगह भाई सीरियसली इस जगह की बात ही अलग है, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। फोन पकड़ना,
जब हम पिछली बार पैंग आए थे लद्दाख, तो हानले का हम लोगों ने सुना, शायद सुना भी नहीं था, सुना भी होगा ना, इतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन फिर हमें, हमने अनु ने सूट की वीडियो देखी, तो अनु ने भाई ने बोला हुआ था कि अगर लद्दाख में कोई जगह देखनी है ना तो हानले जाओ। बस जब उन्होंने हानले बोला, हमने अपनी टू डू लिस्ट में हानले लिख लिया। वो सामने पहाड़ देखना, सामने पहाड़ दिखाओ, कलर्स बहुत सुंदर है यहाँ के यार, कलर सुन, देखो लेफ्ट वे पहाड़ देखने जरा, यार क्या देखो, क्या वैली, इतनी अमेजिंग, इतनी सुंदर वैली है ना ये, ये देखो लेफ्ट पहाड़, राइट पहाड़, सामने पहाड़ दिख रहा है, और रोड सीधी सीधी चलती आ रही है भाई, अमेजिंग व्यू है यार, अमेजिंग व्यू है। नेचुरल स्प्रिंग वाटर, ये व्यू देखो यार, यहाँ पे देखो पूरी धूप है और वहां उस पहाड़ पे देखो यार, इधर देखो यार कितना मस्त लग रहा है। देखो लेफ्ट में धूप है और राइट में छांव है, तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट लग रहा है, और व्यू देखो सामने, क्या अमेजिंग व्यू आ रहा है यार। तो भाई चुमाथांग निकल गया है, चुमाथांग में वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है क्योंकि आर्मी एरिया है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे कुछ वीडियो वगैरह बनाई नहीं। तो चुमाथांग हम लोग पहुँच गए हैं, अब यहाँ से 22 किलोमीटर बचा है माहे ब्रिज, उसके बाद थोड़ा सा ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। You want anything else? No? Sorted. हो गया? क्या वो पंचर हो गया? यार ट्यूब वाले टायर में, इनका ट्यूब वाला टायर है, अब ये लोग पंचर लगाएंगे। हाँ। ट्यूब निकाल के, तो जो पंचर लगाते हैं ना उसको ग्लू से फिक्स करना होता है। अच्छा। तो अब इस ग्लू को लगा के ग्लू बनाएंगे। दिस इज द ओनली थिंग आई हेट अबाउट ट्यूब वाले टायर। हिमालय नहीं थे, एवेंजर थे। अच्छा। आगे वाली हिमालय ना, पीछे वाली एवेंजर है, और एवेंजर में हुआ। अच्छा। They guys, they are from Israel. ये माहे ब्रिज, यहाँ से राइट जाके सोमुरी वाला रास्ता आता है। I think ये चेक पोस्ट ही है, नहीं? चेक पोस्ट है शायद। चेक पोस्ट है ये? है सर। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने न्यूमा क्रॉस किया था, अब हम लूमा पहुंचने वाले हैं, और ड्राइवर
मेरा हो गया है चेंज। सो एज प्रॉमिस मैंने बोला था ना कि जब हान ले जाएंगे तो तुम चलाना। कैसा लग रहा है? पहुंचने वाले तब तीन, अभी नहीं पहुंचने वाले, अभी काफी बचा है। कितना अभी बचा है? 60 के अराउंड, अभी 60 किलोमीटर के अराउंड बचा है। और रोड्स अच्छे ही हैं, बढ़िया रोड्स है। वही बाकी लैंडस्केप देखना, इधर देखो, सामने देखो, उधर देखो, एक नंबर है भाई। पहले तुम निकाल लेना। तो ये है लोमा ब्रिज, अभी रुक जाओ निकलने दो। ये सारे बाइकर्स जा रहे हैं भाई, GS 1250। अरे वन व्हीकल था भाई, चढ़ा चढ़ा दो। तुम चढ़ाओगे तो रुक जाएगा ना। लोमा ब्रिज, तो भाई न्यूमा ब्रिज के बाद हमने न्यूमा भी क्रॉस कर दिया है। ये ना आर्मी एरिया है, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे मतलब वही सब बने हुए हैं, आर्मी मोस्टली से यहाँ पे आर्मी के लोग दिखेंगे। तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया, सही नहीं रहता यार, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया। बट ये है कि चुमाथांग जो हमने क्रॉस किया ना, उसके बाद शायद 5-6 किलोमीटर मैक्सिमम 10 किलोमीटर का रास्ता था जो ख़राब था, लेकिन उसके बाद भाई सारे टारमैक रास्ते बने हुए हैं। और लैंडस्केप भाई एक नंबर लैंडस्केप है, मतलब जो लोग बोलते हैं कि हानले लद्दाख की सबसे बढ़िया ले टू हानले सबसे बढ़िया रूट है, तो भाई वो 100% ट्रू है भाई। आप ज़रूर आना, ले टू हानले ज़रूर करना, बहुत अमेजिंग रूट है, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जगह है। और अभी हमारा जो डिस्टेंस बचा ना, अराउंड 60 किलोमीटर बचा है, जिसमें मे बी मेरे को लगता है कि मैक्सिमम अगर हम अभी चाय पीने के लिए रुके तो 2 घंटे लगेंगे। भाई यार क्या जगह है यार, मजा आ गया देख के सीरियसली। क्या मतलब क्या ही बताऊं, मैं दिखाता हूँ आपको, शीशा खोल के दिखाता हूँ। देखो लेफ्ट में देखो क्या पहाड़ है, पहाड़ सामने ये रे, और इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर ऊपर बादल है, उधर इस तरफ भाई क्या ही लैंडस्केप है यार, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया सच में। ये देखो एक नंबर, मतलब यहाँ के पहाड़ भी हो गए, ज़ूम करके दिखाता हूँ। अमेजिंग है यार, अमेजिंग है। क्या रूट है यार। ये हालने बचा 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर बचा बस भाई। क्या जन्नत में आ गए हम लोग यार, देखो 360 व्यू देखो यार, दिस इज समथिंग एल्स। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम इंडिया में ही है। ये देख लो अपनी गाड़ी, गाड़ी का गेट बंद करो, लो बाइकर्स आ रहे हैं, देख रहे हो आप चारों तरफ क्या अमेजिंग व्यू है। हमने साइड में गाड़ी लगा दी है, ये अपनी पंच पहुंचने वाली है हानले। ये सारे बाइकर्स फ्रेंड अपने, भाई सामने का लैंडस्केप देख रहे हो, सेम चीज़ रिपीट करनी पड़ रही है मुझे, लेकिन जो मेरी आंखें देख पा रही है ना वो शायद वीडियो नहीं बता पा रही होगी। लेकिन भाई हानले इस लाइक समथिंग वेरी डिफरेंट भाई। मज़ा आ गया सीरियसली यार, मज़ा आ गया। तो भाई फाइनली पहुंच गए हानले, और भाई राइट में जाके होम स्टेज है, अभी थोड़ा ख़राब रास्ता है। तो भाई हानले पहुंच गया, टाइम पता कितना हो रहा है, 4:36। और हम कितने बजे निकले थे? हम 11:30 बजे निकले थे कारू से। कारू से जब हम खाना खाया था, ब्रेकफास्ट, हाँ ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम लोग निकले थे 11 बजे, और 4:30 बजे 5.5 घंटे, मतलब मैप सही दिखा रहा था। लोगों की वीडियो देखी थी, तो लोग बोल रहे थे कि 9-10 घंटे लगेंगे, लेकिन भाई
रास्ता एक नंबर था यार, बहुत ही अमेजिंग रास्ता था। तो 4:30 बज रहे, मैक्सिमम 5 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे और होम स्टे ले लेंगे। तो भाई अभी चलते हैं और होम स्टे लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ खाना पीना भी, अब हमने सुबह के बाद कुछ खाया नहीं है। और भाई यार क्या जगह है यार, हानले देख रहे हो, बहुत ही अमेजिंग जगह यार, बहुत ही अमेजिंग जगह। मतलब जिधर देख लो देखो सामने ग्रीन कलर के पहाड़ है, इधर अलग पहाड़ है, उधर अलग पहाड़ है। मेरी एक छोटी सी शंका है, पूछिए। ये कि यहाँ पे हमें देखनी है मिल्की वे गैलेक्सी, यस, और ऊपर देखो बादल कितने हो रहे, इस तरफ तो काले बादल हो रहे हैं, इस तरफ बिल्कुल काले। पता नहीं यार, रात को ही पता चलेगा कि क्या होगा, हम मिल्की वे गैलेक्सी देख पाएंगे ये सब रात को पता चलेगा कि देख पाएंगे देख पाएंगे। तो चलो कोई नहीं, हानले तो पहुंच गए हैं, अब आगे क्या होगा। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, मैं हमारे साथ रहना अभी। तो अपडेट ये है भाई, देखने में तो ऐसा लग रहा था कि कोई आ नहीं रहा, हम ही है। हाँ। लेकिन हानले में भाई रूम अवेलेबल ही नहीं है, होम स्टे अवेलेबल ही नहीं है। चेक पोस्ट पे जो मैम बैठी थी उन्होंने पहले ही बोल दिया था टू मच रश, नो रूम्स अवेलेबल। और सच में नहीं है यार, हमें ना रास्ते में और वहाँ कहीं कोई नहीं दिखा, और अब तो इतने बाइकर्स दिख रहे हैं ना कि कुछ कह नहीं सकते। देखो सब ढूंढ रहे हैं, उनसे पूछो। तो भाई हम लोग पहुंच गए हानले और हमें फाइनली होम स्टे मिल गया। भाई होम स्टे की इतनी ज़्यादा किल्लत है ना यहाँ पे, और मुझे ऐसा लग रहा था भाई क्या करेंगे, गाड़ी में सोना पड़ेगा, कि सीरियसली कहीं नहीं था, बट थैंकफुली हमको मिल गया। और अंदर आके हाँ, और एक चीज़ हो रही है ना कि हानले के आसपास कोई जगह भी नहीं है कि आप आगे पीछे जाके ले लो, यही जगह थी भाई, फुल है फुल। तो बट हमको मिल गया, देखो मैं दिखाता हूँ। देखो ये गेट है, ठीक है, ये ऊपर किसी रूफ है, और ये है एक बेड, ये लगा है एक बेड, वो लगा है। भाई ये ना बहुत अमेजिंग रूम बना हुआ है, कारपेट बिछा हुआ है, और यहाँ पे मिरर है। बाहर का व्यू दिखाऊं, देखो बाहर का व्यू ऐसा है, इधर से भी व्यू ऐसे ही है। तो ये जो ना बहुत अच्छा लगा, मतलब देखते ही पसंद आ गया, और इतनी किल्लत के बाद तो इतना अच्छा रूम मिलना बहुत बड़ी बात है। तो भाई फाइनली हमको मिल गया है। अब क्या है ना कि कल हमको जांसकार निकलना है, लेकिन इस होटल की एक बहुत खास बात है जो हमें आने के बाद पता चली, समझ गए ना तुम, एक बहुत खास बात है भाई, बहुत खास बात है। जो लोग राइडर्स और ट्रैवलर हैं ना, वो इस चीज़ को समझ जाएंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट होल्ड करना। तो यार ये है होम स्टे, देखिए अपनी गाड़ी। भैया होम स्टे का नाम क्या है आपके? रिक्चू। रिक्चू होम स्टे, ये होम स्टे के भैया है। और जो मेन चीज़ बता रहा था ना, देखो वो यही है, मतलब इस वाले होम स्टे में जैस पाजी भी रखे हुए हैं, जैस फिल्म्स, ये जैस फिल्म्स इंडिया। तो ये देख के भाई हम लोग शौक हो गए थे और बहुत अच्छा लगा। बाकी बहुत बढ़िया जगह बना हुआ है यार, लोकेशन देखो क्या एक नंबर है। जब ढूंढ रहे थे ना तो ऐसा लग रहा था कि मिलेगा नहीं, बट थोड़ा सा अंदर आके हमको होम से मिल गया। तो भाई बहुत रिलैक्स फील हुआ, क्योंकि टाइम से आते और होम से नहीं मिलता तो अलग सा होते। देखो ये जो गाड़ी है ना, ये बैंगलोर से आई और उमलिंग लोग आए थे, गाड़ी खा रहे थे, पर हमारी गाड़ी देखो साफ, ये हमारी कल होगी ऐसी, हमारी कल, ये कल दोबारा हो जाएगी, आज ही वॉश कराई थी, कल फिर से ऐसी हो जाएगी। तो भाई बस ये है, रिक्चू होम से हम रुक गए हैं। अब कल का प्लान क्या है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि सुबह 6:30 बजे तक निकल जाए, और उसके बाद अभी भैया से हम लोग पता कर रहे थे कि किस रूट से जाना सही रहेगा। तो जो भी रूट सही रहेगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो वो सब जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लगी होगी तो। और भाई कल
इम्पॉर्टेंट डे है और हमारी पंच का एक और बहुत बड़ा टेस्ट है, क्योंकि उसके बाद तो फिर वापस जाना है हमें, तो वो सब तो करके आ चुकी है, जान सर्विस ने कर दिया है, कल करेगी उम्मीदला। तो बस यही था, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, अब लेके अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।